नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय सेना के ऊपर एक नई खबर के बारे में। सरकार ने रिसेंटली पार्लियामेंट में बताया कि तीनों सेनाओं में करीब 1.5 लाख पोस्ट खाली हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा खाली हैं इंडियन आर्मी में 1.36 लाख वैकेंसीज, नेवी में 12,400 और एयरफोर्स में 7,000 पोस्ट खाली हैं। इंडियन आर्मी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश की सुरक्षा और शांति के लिए काम करती है, पर इस नई खबर से पता चलता है कि सेना के अंदर काम करने के लिए लोगों की कमी है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट ने बताया कि सेना के अंदर जो ऑफिसर्स और दूसरे एम्प्लॉयज काम करते हैं उसमें भी करीब 8,000 पोस्ट खाली हैं। इसके अलावा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में 509 और JCO और दूसरे अदर रैंक्स में 1,27,000 पोस्ट खाली हैं। नेवी में ऑफिसर्स की कमी के साथ 29 मेडिकल और डेंटल ऑफिसर्स की भी कमी है और 10,740 सेलर्स की भी ज़रूरत है। सेना में जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उसमें भी 252 पोस्ट खाली हैं ग्रुप ए में, 2,500 ग्रुप बी में और 35,300 ग्रुप सी में। एयरफोर्स में ऑफिसर्स की कमी के साथ 16 मेडिकल ऑफिसर्स, 4,700 एयरमैन और 113 एयरमैन ऑफ मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड की भी ज़रूरत है। और सिविलियन एम्प्लॉयज़ में भी करीब 22 पोस्ट खाली हैं ग्रुप ए में, 1,300 वैकेंसीज हैं ग्रुप बी में और 5,530 ग्रुप सी में है। अब सरकार ने पार्लियामेंट में बताया कि वो रेगुलर बेसिस पर इस सिचुएशन को मॉनिटर करते रहते हैं और वैकेंसीज को फिल करने के लिए काफ़ी सारे मेजर्स लेने की भी कोशिश करते हैं, जैसे कि इम्प्रूव्ड इमेज प्रोजेक्शन, पब्लिसिटी इन ऑडियो विजुअल, प्रिंट, इंटरनेट, सोशल मीडिया, करियर फेयर्स, एग्जीबिशन, मोटिवेशनल लेक्चर्स। तो बेसिकली सरकार का ये कहना है कि सिचुएशन देखो ख़राब है, बहुत सारी पोस्ट जो है हमारे पास खाली हैं और हम इन पोस्ट को भरने के लिए अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। जब भी कोई वैकेंसी आ रही है हम उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं अलग अलग सोर्सेज पर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेडियो पर पब्लिसिटी हो रही है, न्यूज़पेपर में, सब जगह पब्लिसिटी हो रही है। और जो थोड़े से नए तरीके हैं जैसे मोटिवेशनल लेक्चर्स हैं स्कूल कॉलेजेस में, वो भी करवाए जा रहे हैं, ठीक है। और जो वेबसाइट है उसको थोड़ा और रोबस्ट किया जा रहा है सो दैट किसी को फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम ना आए, प्रोसेस थोड़ा सा ईजी हो जाए। गवर्नमेंट ने भी बोला कि सरकार जो है वो कैंडिडेट फ्रेंडली रिक्रूटमेंट प्रोसेस बना रही है। शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो ऑफिसर्स हैं वो दोनों मेन और वुमेन दोनों, उनको परमानेंट कमीशन दिया जा रहा है। वुमेन एंट्री चालू की गई है NDA के थ्रू और काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जिससे ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो। यूथ को इनक्रेज किया जा रहा है, उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है कि वो सेना में ज्वाइन करें। अब एक सबसे बड़ा रीज़न ये आता है कि अगर इतनी सारी वैकेंसीज खाली हैं तो सरकार एक बार में नोटिफिकेशन निकाल सकती है और नोटिफिकेशन निकाल कर सभी लोगों को उसके अंदर भर्ती कर सकती है। लेकिन यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऐसे आते हैं जिस वजह से ये काम करना इतना आसान नहीं है जितना कहना आसान है, क्योंकि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के कुछ सेट स्टैंडर्ड्स हैं ऑफिसर ट्रेनिंग के और जो सेलर ट्रेनिंग है, एयरमैन ट्रेनिंग है और एक नॉर्मल जनरल ड्यूटी आर्मी सोल्जर की ट्रेनिंग है, उसके कुछ सेट पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स के साथ इंडियन डिफेंस फोर्सेस कुछ भी आनाकानी नहीं करती हैं, क्योंकि मामला देखो भाई देश की सुरक्षा से रिलेटेड है। साथ में जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस के पास वो भी लिमिटेड हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही साथ 1,00,000 लोगों की भर्ती पूरे देश में कर दें और जो ये इतना बड़ा मुद्दा उठता रहता है बेरोजगारी का, हम उसको भी एक बार में ही ख़त्म कर दें, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड ट्रेनिंग है और साथ में जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं ट्रेनिंग के और एक अच्छे ऑफिसर के, एक अच्छे सोल्जर के, उनके साथ कोई भी चेंजेस नहीं किए जा रहे। ये एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है कि ये वैकेंसीज अब तक वैकेंट रह गई हैं। काफ़ी सारे सोल्जर्स जो होते हैं और डिफेंस फोर्सेस में जो ऑफिसर्स होते हैं वो लोग 20 ईयर्स बाद ही VRS ले लेते हैं, जिसको कहा जाता है वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो इस वजह से काफ़ी सारी पोस्ट जो होती हैं जिनको एक 60 एकदम एक नॉर्मल रिटायरमेंट जिनको लेना था वो लोग बीच में रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से ये वैकेंसीज खाली रह गई हैं और गवर्नमेंट को ये सारी कहानियाँ पता हैं और उसके बाद भी वो लोग नए नए तरीके ऐसे ढूंढ रहे हैं कि बहुत अच्छा क्वालिफाइड यूथ हमारे पास आए जिसको इवेंचुअली हम लोग ले पाएं। तो आप लोगों के लिए ये न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है? अब आपको ये चीज़ पता है कि गवर्नमेंट के पास 1,50,000 वैकेंसीज हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इंडियन आर्मी में है, तो आपके पास एक मौका है कि आप ये भर्तियाँ जो हैं यहाँ पर जो कमी है ऑफिसर्स की उसको आप पूरा कर सकते हैं। थोड़ी बहुत जो लीनियंसी होती है वो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दिखा रहे हैं अपने सिलेक्शन प्रोसेस में। एक टाइम हुआ करता था जिसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बताते थे कि SSB प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा टफ होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कंपैरेटिवली SSB प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ईजी करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है।
तो अगर आप भी किसी आर्म फोर्सेस या डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे CDS, AFCAT, तो हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी वीडियो से रिलेटेड मैं अब आपसे 5 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। ये अब आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके आप सवाल दीजिए, कॉमेंट्स में बताइए। सही आंसर्स जो होंगे वो इसी चैनल के माध्यम से आपको कम्युनिटी में मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ा मौका है एक ऑफिसर बनने का या एक सोल्जर बनने का इंडियन डिफेंस फोर्सेज में। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर अच्छी लगी तो।